इमरान खान के हाथ में है ये कारपेट, जिस दिन चाहेगा खींच लेगा जमीन आपके पांव के नीचे से। जरा निकले जरा आवाम में, आपको पता चले कि कैसा स्वागत होता है आपका आवाम के अंदर। जनाब इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत का जो तरीकाकार है उसमें किसी किस्म का कानून, आइन, पार्लियामेंट वो फिगर आउट ही नहीं होती है। इसी हाउस में बारह हमने बात की, गले हमारे बैठ के कह कह के खुदारा जो हाउस के ट्रेडिशंस हैं, जो हाउस के रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करें। इतने बड़े बड़े बिल इस हाउस में पलक झपकते बुलडोज किए गए। अपने लिए जब इन्होंने एनआरओ हासिल करना था, नैब का बिल तमाम हाउस के मुतालबे के बावजूद एक दिन के लिए भी कमेटी में नहीं भेजा गया और फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको बुलडोज किया गया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जिसके दूरस असरात हैं इस मुल्क के ऊपर, जिसके दूरस असरात हैं इस मुल्क की सियासत के ऊपर, इस मुल्क के मामलात के ऊपर, उसको भी पलक झपकते यहां पर बगैर किसी कमेटी में दाखिल किए पेश कर दिया गया। ये मुल्क को किस तरह चला रहे हैं जनाब? इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। और हालात हमारे सामने हैं, आज आप देखें इस मुल्क के जो माशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जरा बाहर निकलें। आपको जिमनी इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि लोग आपके मुतालिक क्या राय रखते हैं। जरा बाहर निकलें, जरा निकलें जरा आवाम में, आपको पता चले कि कैसा स्वागत होता है आपका आवाम के अंदर। और मुझे तो कल हंसी आ रही थी, कल एक और इन्होंने एक नोटंकी की कि 11 एमएनएस का, स्पीकर साहब फरमाते हैं 11 एमएनएस का इस्तीफा मैं कबूल करता हूं। बड़ी मेहरबानी जनाब, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मेंबरान असेंबली हैं, ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि अपने लीडर की एक कॉल पर उन्होंने इस्तीफे उठाकर उनके मुंह पर मारे थे और हाउस में खड़े होकर कहा था कि हम इस असेंबली, इस ऐवान में खड़ा होना इस किस्म के रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपनी तोहीन समझते हैं। आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें असेंबलियों के अंदर और आप एक्सपेक्ट करें कि वहां पर हम उसका हिस्सा बनेंगे। हमने तो उसी दिन, और कासिम सूरी ने उसी दिन वो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे। हमारी राय में तो हमारे तमाम इस्तीफे एक्सेप्ट हो चुके हैं। ये कर क्या रहे हैं सर? ये कर रहे हैं कि ये इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं। ये इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, हाथ पांव मार रहे हैं, कभी इधर हाथ मारते हैं कभी उधर। किसी ने कल इनको एक नई पट्टी पढ़ाई कि जनाब चले इस तरह करते हैं कि 10-10, 11-11 करके हम ये करेंगे, शायद हम कुछ जिमनी इलेक्शन करा लें, 2-4 दिन हमारे हुकूमत के और बढ़ जाएं। कोई साहब आके कहते हैं, बड़क लगाते हैं कि हम पता नहीं जमीन जो है उसको गर्मा देंगे। ओ भाई, जमीन तो सुकड़ गई है आपके पांव के नीचे, ये इस्लामाबाद की बाउंड्री के अंदर रह गई है और ये भी खिसकने वाली है। इमरान खान के हाथ में है ये कारपेट।